अरे दोस्तों, इनकम टैक्स का सॉल्यूशन देखते हैं। सीए इंटर मई 2018 न्यू सिलेबस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। पढ़े, मिसेस बाबू वर्किंग एज ए जर्नलिस्ट विद एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, और ये शायद जानबूझ के इंटरेस्टिंग बनाया गया है या अनजाने में बन गया, गॉड नोज। मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। देखिए, बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ, तो हमने बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ है, इसको हमने इनटू 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 लाख आ गया। फिर डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ इट इज मेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मैंने 4 बताया था, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी एंड प्रोविडेंट फंड। इन चारों को कैलकुलेट करने के लिए जिस सैलरी की जरूरत होती है उसी को हम लोग सुपर एनुएशन सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी कहते हैं। तो वो 50% ऑफ बेसिक पे, याद रखिएगा डीए है, तो यानी कि 25,000 का 50% 12,500, ये डीए है। इस 12,500 का 50% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को कैलकुलेट करने के लिए जो सैलरी हम लोग यूज करेंगे। तो बेसिक सैलरी तो आएगा ही आएगा, तो बेसिक सैलरी 3 लाख तो आएगा ही आएगा, प्लस 50% ऑफ 1,50,000, तो 3,75,000 आ गया, ठीक है। और डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो 12,500 इंटू 12 कर दिया, 1,50,000 आ गया। इसके बाद लिख रहा है ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 30,000। ये ओन कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ बेसिक सैलरी होता है 30,000, ये तो ऑलरेडी एडेड है, लेकिन इस पे आपको 80C का डिडक्शन मिल जाता है, जो हमने नीचे में कैलकुलेट किया हुआ है। ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 80CCC 30,000। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 20% ऑफ बेसिक सैलरी, हेलो, 20% ऑफ बेसिक सैलरी लिखा हुआ है। और याद रखिएगा, हमने किताब में एक एक चीज बताया हुआ आपको केस लॉ के बेसिस पे, और इस क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको हमने अपने बुक्स में और लेक्चर्स में डिस्कस नहीं किया हुआ है। अगर आप देखेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो हमने कई केस लॉज बनाए थे जहां पर 20% ऑफ बेसिक सैलरी कहीं लिख दिया, 20% ऑफ सैलरी कहीं, सिंपल अमाउंट ही लिख दिया, 50,000 कंट्रीब्यूशन है, उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हमने किए हुए थे। तो चलिए मैं ये बात आपको अपने किताब में भी एक बार दिखला भी देता हूं। तो ये प्रोविडेंट फंड का चैप्टर, ये प्रोविडेंट फंड का चैप्टर, 4 तरह के प्रोविडेंट फंड। फिर जब हमने क्वेश्चन लिया, तो देखिए बेसिक सैलरी डीए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ 13%, फिर आरपीएफ 20,000, फिर 15% ऑफ बेसिक सैलरी। तो हर तरह के क्वेश्चन हमने करवाए हुए आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आइए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरपीएफ कितना है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो 3 लाख का 20% 60,000 आ गया। 12% ऑफ सैलरी तक टैक्सीबिलिटी नहीं आएगी, उसके ऊपर टैक्सीबिलिटी आएगी, तो 12% ऑफ सैलरी यानी कि 3,75,000, यानी कि कंट्रीब्यूशन तो 3 लाख के बेसिस पे है, लेकिन जो नॉन टैक्सीबिलिटी है वो 3,75,000 के बेसिस पे, तो 18,000 तो आ गया, 42,000। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द आरपीएफ अकाउंट 15% पर एनम 15,000, तो सिंपल क्या किया, 15,000 को 15% से डिवाइड कर दिया, एक्सेस ऑफ 9.5% है, तो 15 - 9.5 5.5 आता है, इसको कैलकुलेट करके 5,500 आ गया। तो ये इनकम फ्रॉम सैलरीज आ गया इन सबको जोड़ के। मैं क्या करता हूं कि मैं सबसे पहले हेड्स जो दिए हुए क्वेश्चन में उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने लगता हूं। तो इनकम फ्रॉम सैलरीज का एक हेड खोल लिया, फिर हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा हेड खोल लेता हूं। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा हेड खोल लिया, आइए दिखलाता हूं। लास्ट में टोटल इनकम कैलकुलेट करूंगा। तो यहां देखिए, एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड 69,000 है, सेक्शन 25A जाएगा, तो एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एबीसी लिमिटेड 69,000 अंडर सेक्शन 25A 69,000, इसमें स्टैंडर्ड रक्षण मिलता 30% का, तो वो माइनस कर दिया, एरियर्स ऑफ रेंट 48,300। मैं इसको लिख देता हूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके बाद लिखा हुआ रिसीव्ड इंटरेस्ट 10,000 फ्रॉम एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट, जिसमें 80TTA का 10,000 का मैक्सिमम रिडक्शन मिल जाएगा, और 12,040 फ्रॉम डिबेंचर्स ऑफ मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड। अब यहां पर हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि TDS इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट ऑफ 12,040 फ्रॉम डिबेंचर्स ऑफ मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड, सेक्शन 193 में इस पर TDS कटा हुआ होना चाहिए 5,000 से ऊपर के अमाउंट के ऊपर,
लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि टीडीएस जो कटा हुआ है इसमें इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है। तो ये सॉल्यूशन दिखलाता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक का 10,000 लिख दिया, इसी 10,000 का मैंने उसी समय पेपर में 80C to 80U का यहां 80TTA 10,000 लिख दिया ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर्स, अज्यूम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ टीडीएस, तो हमने अजम्पशन ले लिया 12040, तो टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 12040 आ गया। फिर लिखा हुआ शी मेड पेमेंट थ्रू चेक 12,500 फॉर मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर मेजर डॉटर, 80D का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहां पर हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि मेजर डॉटर है, शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हर, देयरफॉर हमने निल लिखा हुआ। आप मेजर डॉटर अज्यूमिंग टू बी नॉट डिपेंडेंट, 80D निल लिख दिया। अगर आप अज्यूम करते हैं डिपेंडेंट तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 25,000 है। She had contributed 1196 per month towards Atal Pension Yojana. Atal Pension Yojana का new pension scheme में deduction मिलेगा 1196 per month and 5000 towards Sukanya Samriddhi, 5000 per month towards Sukanya Samriddhi account, यहाँ पर 80C का deduction मिलेगा, वो हमने भी लिख दिया यहाँ पर। देखिए Atal Pension Yojana 80CCD 1196 per month into 12 से multiply कर दिया। फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम 5000 पर मंथ है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया। तो टोटल डिडक्शन जो मिल रहा है 80CCC और 80CCD को मिला के वो 104,000 समथिंग है, लेकिन ये डिडक्शन एलिजिबल है। तो टोटल जो डिडक्शन मिल रहा है 114,352, ये सब कुछ हमने अपने किताब में भी लिखा हुआ, मैं आपको दिखला भी देता हूँ। 80CCD न्यू पेंशन स्कीम सेटअप अंडर NPS ट्रस्ट ऑब्लिक अटल पेंशन योजना। 80C, what is gross qualifying amount? इसमें बहुत सारे हैं, जिसमें 17th है इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम। आइए, ये इंटरेस्टिंग है। मिसर्स एबीसी लिमिटेड हैज टेकन रेजिडेंशियल हाउस ऑफ मिसेस बाबू एज कंपनीज गेस्ट हाउस and later purchased from her in the year 2016 at market value of rupees 75 lakh. यानी कि market value 75 lakh था, 75 lakh में खरीद लिया, जिसका purchase cost rupees 10 lakh in the April 2004 है। Interesting बात ये है कि इन्होंने 2016 में अगर खरीदा है तो YOC year of chargeability equal to year of transfer, तो previous year 16-17 में capital gain arise होगा। आइए दिखाता हूँ। तो residential house ऑफ फॉर प्रीवियस ईयर 16-17 कितना है सेल कंस्ट्रक्शन 75 लाख, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालूंगा क्योंकि लॉन्ग टर्म है, परचेज प्राइस 10 लाख लिखा हुआ है 2017 में, और आप इंटरेस्टिंगली देखिए 16-17 का इन्होंने इंडेक्स वैल्यू दिया हुआ 264। घर कब खरीदा था 2004 में, और 2004 का इन्होंने इंडेक्स वैल्यू 113 लिखा हुआ है, तो हमने इंडेक्सेशन करके ये निकाल लिया। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है कि यू कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19, और ये कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 16-17 असेसमेंट ईयर 17-18 का आया है, तो क्या ये गलती से गलती हुई है या जानबूझ के आपको ये आपसे वो पूछना चाह रहे हैं कि ये 5163717 ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19 में आप लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। हमने नहीं लिखा है, ठीक है। यहां पर इन्होंने गोल्ड एंड डायमंड रिंग ये ठीक किया, गोल्ड एंड डायमंड रिंग। ड्यूरिंग अगस्त 2017 मिसेस बाबू हैड लॉस्ट हर गोल्डन चेन एंड डायमंड रिंग विच शी हैड परचेज इन अप्रैल 2004 फॉर रुपीज 1,13,000, तो परचेज प्राइस 1,13,000, 4-5 की इंडेक्स वैल्यू 113 है, और इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला है 2,75,000, यानी कि जिस ईयर में खोया है उसी ईयर में कंपनसेशन मिल गया, तो डिफरमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी की या डिफरमेंट ऑफ कैपिटल गेन की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो 17-18 का 272 करके हमने 3,000 आंसर निकाल लिया बस। अब ये ऑलमोस्ट, और ये हम डिडक्शंस तो पहले ही बता चुका, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है सैलरीज
हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन अदर सोर्सेस ग्रॉस टोटल इनकम 80C 20U, यही वाला हमने माइनस करके आंसर निकाल लिया 456488। ये इंटरेस्टिंग था, ये हमने जानबूझकर नहीं जोड़ा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 16-17 का रहा है और इसमें टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए कहा नहीं गया, इसलिए हम लोग निकाल नहीं रहे। तो दिस इज क्वेश्चन वन, कंपल्सरी क्वेश्चन ऑफ मार्च 10। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, इसमें पता नहीं वो क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं।